इसके अंदर है? हाँ। हुआ क्या, हाथ में चोट लगी? हाथ में, हाथ पूरा ये काटा है। गोपालपुर जू क्यों नहीं लेके गए ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट नहीं करेगा मेरा तो, ये पूरा ये ना देख कर आप लोग खुश हो गया। गाँव हमें भी होता तो हमें भी कितना दर्द होता है। कम ही लोग ध्यान देते हैं ना इसे। सबको अपना दर्द ज्यादा बड़ा लगता है। एप्पल कुछ पता है हुआ क्या कि गाड़ी मारी है बिजली का तार? कुछ पता नहीं है। हमें बंदर ऐसे चुप कर बैठा, मैं ना हरम हुआ है क्या? बाकी बंदर तो है ना, हमें डराता है। जो बंदा जो है ना तंदुरुस्त होता है ना, जो बीमार नहीं होता ना, वो तो डराता है बहुत बंदर। अभी ये बेचारा चुपचाप से बैठा, तो इतने खाने को दिया होगा ना। फ्लाई है ना, फ्लाई आते है ना, मैकेट्स। हाँ, वो ऐसे ऐसे करते है। बहुत कीड़ा कीड़ा है ना, मच्छर वगैरह काटता होगा ना, क्योंकि बाल तो है नहीं, पूरा मांस मांस गाँव है ना। मेरे तरफ से इसको है ना प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, नहीं नहीं उसके लिए जितना खर्चा है मेरे तरफ से प्लीज। ये हमारे यहाँ पहले भी एक अवनी करके मंकी आई थी, तो उसका भी सेम ही सीन था, उसकी एक्सेप्ट पीठ पे चोट नहीं थी। डॉक्टर गुलशन, वाइल्ड लाइफ जो है वो लोग इनको आके ट्रीट करते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट? सर, वाइल्ड लाइफ में मेनली जो मंकीज का जो है वो स्टरलाइजेशन करते हैं। ट्रीटमेंट वाइज वाइल्ड लाइफ नहीं करती इनको ट्रीट? आई थिंक शायद नहीं। कि जो नॉर्मल मंकी, जो हेल्दी मंकी होते हैं वो डराते हैं इनको, पर ये वाला चुप से शांति से बैठा है। एप्पल फेंका था है ना, ये वाला नहीं, दूसरा एक फेंका था, वो तो ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे करो। मैंने सोचा वो वाला पकड़ सकूँगा, सोचा। तो आपने कोई कपड़ा यूज़ किया? कपड़ा हम चादर, चादर है ना, हमने तूने चादर उसको कवर किया। ओए भूखा, कैसी लगी खाना? इसमें मिक्स कर दो, मिक्स कर दो। क्या दांत से? मिक्स से सीधा प्लेट जाएगा। हां, वहीं से काटेगा सेल लाइन में, छोटी सी सर्जरी होगी। नहीं, हड्डी पूरा वो हो गया ना, सूख गया ना पूरा। अभी क्या करें डॉक्टर सिंह? ये थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। अच्छा, वो मसाज कर रहे हैं। ओके, सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। इतना तो प्यार है, इतना तो प्यार है। सुंदर कब आए? कल शाम को। जगल से एक हमारे अडॉप्टर हैं, उन्होंने हमारे यहाँ से एक कैट अडॉप्ट की थी। उनको ये पपी कांगड़ा में बस स्टैंड में से बस के सामने आते नजर आया। उन्होंने पूछा भी किया काफ़ी जगह कि इसकी मदर कहाँ है, किसी को वहाँ पता नहीं था क्योंकि वहाँ पर बच्चे हुए नहीं थे। मेल है कि फीमेल? फीमेल हमेशा। अब ये इतनी क्यूट है कि ये बहुत ही जल्दी अडॉप्ट हो जाएगी। अगर मेल होती तो और जल्दी अडॉप्ट हो जाती, पर फीमेल्स में कई बार लोगों को ये लगता है कि भाई जब इनको पीरियड्स होंगे तो घर में थोड़ी तकलीफ होगी। अगर आप अपने डॉग्स को स्टरलाइज करा लें तो ये समस्या भी सॉल्व हो जाती है। हमने भी इस समय स्टरलाइजेशन कैंप लगा रखा है 2 महीने का, इस समस्या को निपटाने के लिए नहीं पर डॉग्स की पॉपुलेशन को जनरली कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आप हमें डॉग फूड डोनेट करना चाहते हैं, हमारी अमेज़न विशलिस्ट से हमें आप भेज सकते हैं। तो अभी इतनी ठंड नहीं है, यहाँ पर बल्ब बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है, काम फीमेल ही कर रहे हैं। तो हम अपनी स्टरलाइज करके नहीं जाएंगे। शुरू हो गई सर्जरी? हाँ, अभी फर्स्ट सर्जरी है शुरू हुए, 25 मिनट हो चुके हैं। शेड तो बन गया ना? जी सर, शेड तो बन गया है। शेड तो जगह बारिश हो जाती है कभी भी, क्योंकि हमें होल्डिंग कैरेज चाहिए होंगे ना 4, जिसमें जो डॉग्स आएंगे जब तक उनकी सर्जरी नहीं होती तो उन्हें हम होल्ड करेंगे यहाँ पे। बिजी क्रेजी डे है ना। तो हमारा कैंप जो है वो अभी लगभग 1 महीना चलेगा। हम यहाँ से चढ़ी तक का एरिया कवर करेंगे और उस तरफ में कांगड़ा तक का एरिया कवर करेंगे, शाहपुर तक भी कवर करेंगे। तो हम तीन डायरेक्शंस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमें कॉल करेंगे और अपने एरियाज के डॉग को लोकेट करवाने में हमारी मदद करेंगे तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। मुंह की जिंदगी भी थोड़ी मुश्किल ही रही है। जब ये आई तो इसको बहुत बड़ा घाव था, फिर इसको चलने फिरने में दिक्कत हो गई, फिर जब इसके लिए व्हील चेयर आई तो वो भी इसको शुरू में समझ नहीं आई, पर फिर come on. कोई बात नहीं, आराम से। मुंह से मैंने ये सीखा कि भाई जिंदगी हमें क्या रास्ता देती है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर उस रास्ते पे हमें रिगड़ना है, चलना है या भागना है, ये हमारे हाथ में है। आपको कुछ पता है कि डॉग का कैसे हुआ, क्या नहीं, हुआ? हमें नहीं इसके बारे में। डॉग बाइट ही लग रहा है देखने से तो, क्योंकि ऊपर छेद है देखो,
बाकी तो होंगे सर, स्वेल हुआ है अंदर, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, 2-3 हफ्ता लगेगा। लेकिन एक चीज़ होती है, कभी भी क्लिनिक में रखवाने से क्या होता है ना, यहाँ पे अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन भी रहते हैं ना जी। मान लो इन्फेक्शन होता है तब फिर हम कोशिश करेंगे कि वहीं पे ट्रीटमेंट हो जाए, यहाँ पे हम नहीं रखते फिर इन्फेक्शन के बाद। जब हमने इसको एग्जामिन किया तो हमें पता लगा कि इसके डॉग बाइट वुंड थे, स्पेशली कान के आसपास के एरिया में, और उसमें मैगट वुंड भी हो रखा था। तो हमने उसकी मैगट वुंड के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और डेली ड्रेसिंग जो है वो हम कर रहे हैं। अभी वो काफ़ी हद तक ठीक है। गजानन जब वो हमारे पास आया था तो उसको फुटरॉट का इशू था और उसका पैर में बहुत ज़्यादा सूजन थी और घाव था, लेकिन करीब 1.5-2 महीने में वो हील हो गया तो हमने उसको वापस रिलीज कर दिया। इसका फुटरॉट तो ठीक हो गया लेकिन इसका पैर हमेशा के लिए सूजा रहेगा। और वेनु जिसकी रिकवरी गजानन के साथ ही चल रही थी वो ठीक हो गया, दीपाला के अडॉप्ट हो गया और गजानन ठीक हो गया, वापस सड़क पे चला गया। अब ये भी हम लोगों की तरह ही अपनी अपनी किस्मत लेके पैदा होते हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि भाई हम अपनी किस्मत हाथ पैर मार के बदल लेते हैं और ये अपनी किस्मत बदलने के लिए हमारी तरफ देखते हैं। अब ठीक हो गया पूरा इसका। क्या हुआ था? ट्यूमर, 3 डोज लगी उसके बाद ठीक हो गया अभी ये, और सर्जरी भी कर दी हमने स्प्रे ताकि ये बच्चे ना दे पाए। हाय हाय साहिल, इसकी एंटी भी सर्जरी के टाइम हो गई थी ना। ये कहाँ से आ गए सुधांशु? कौन है, मारिया है? कल ही रिलीज किया था हमने, वही ने वापस आ गया ना। कहाँ से आ गए? डडम से। संजय भैया वो कल छोड़ के आए ना, मारिया आ गए वापस, छोड़ जाते हैं वहीं पे फिर आएगा ये। अब हमें अपनी आज़ादी कितनी प्रिय होती है, पर फिर भी मारिया अपनी आज़ादी छोड़ के वापस यहाँ पे आ गई, जबकि हमने उसको 15 स्क्वायर फुट के कमरे में कैद रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे उसको दिन में 3 टाइम खाने को मिलता था और कोई मारता नहीं था। तो यार ये 2 चीज़ें, खाना डालना और ना मारना, ये तो हम में से हर कोई कर ही सकता है। हुआ क्या था इसको? सर ये एक्सीडेंट हुआ था इसको। आप कुछ कह रहे थे कि किसी शराबी आदमी का? हाँ, लेकिन उसने क्या किया, इसको उठा के कहीं और जाकर रख दिया ताकि किसी को दिखे ना। कॉलेज कैंपस के कुछ लड़के थे, उनको दिखा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने नवीन को बोला कि आप एक बार ये देख के बताओगे मुझे कहाँ क्या है इसका सीन करके। उन्होंने अबैंडन कर दिया ना, मतलब एक्सीडेंट के बाद। वहाँ के डॉक्टर से चेक कराया तो उन्होंने पिछला पैर का या हिप का फ्रैक्चर बताया है, जिसकी वजह से उन्होंने भी साफ बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ है? स्पाइन गई है। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन एक बार मना करें करना पड़ेगा। कोई भी फ्रैक्चर हो तो ठीक होगा ही ना इसका। खुजली जो है मेनली जो उसके हाइंड लेग्स है दोनों के दोनों, एक साइड में उसका टिबियल माल यूनियन है जिसकी वजह से उसका पैर थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, और दूसरा जो पैर है उसका हूफ निकला हुआ है। तो दोनों ही कंडीशन में, मतलब पेनफुल कंडीशन है उसकी, और इस वजह से वो ज़्यादा समय जो है अपना वो एक जगह बैठे हुए बिताता है। कल भी बारिश हुई है और अभी भी बारिश बताई है, और ये सुस वगैरह करता है तो इसकी पट्टी गीली ना हो, क्योंकि हूफ पे इंजरी है ना, तो गीली ना हो पट्टी। ये भाई साहब ज़्यादातर लेटे ही रहते हैं, चलने में इनका खासा इंटरेस्ट नहीं है, अपना जूता भी उतार के फेंक देते हैं, और जब ये चलते भी हैं तो लड़खड़ा के चलते हैं। तो जब ये ठीक हो जाएगा तो हमारी सेंचुरी में ही जाएगा, तो हमसे जितना हो सकता है हम उतना करते हैं। पर कई जानवर जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे वो घोड़े का बच्चा था, उनको तो फिर हम बस पेनलेसली यूथनाइज ही कर सकते हैं। नदी का जो निचला आईलिड है वो थोड़ा झड़ चुका है, और उसके नीचे भी हमें एक और मैगट वुंड मिला था, और जिसके लिए हमने इसकी क्लीनिंग कर दिया, मैगट्स भी रिमूव हो गए हैं। अब उसकी फिर से डेली क्लीनिंग वैसे ही चल रही है जैसे नॉर्मल चल रही थी, प्लस हम इसे टोनिंग भी कर रहे हैं इसमें, जो कि हम गौस फील कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा पस कम होने में हेल्प मिले। आज हमारे स्टरलाइजेशन कैंप का 3रा दिन है, और आज दिन तक हम टोटल 20 सर्जरीज कर चुके हैं। तो जो पोस्ट ऑप कैनल है ये तो हमारे स्पीति स्टरलाइजेशन कैंप से बचे हुए थे, और साथ ही साथ हमारे पास कुछ सप्लाईज भी बची थी। वैसे हमारे को हर एक डॉग स्टरलाइज करने में करीब करीब 1500 रुपये की सप्लाईज लग रही हैं, पर इन 1500 रुपये में हम 100 के करीब जिंदगियां बचा रहे हैं, क्योंकि देखिए
एक डॉग साल में दो बारी 8-8 पपीज पैदा करता है और 6 साल तक ये लोग पपीज पैदा करते रहते हैं। तो मुझे लगता है स्टरलाइजेशन सपोर्ट करना और स्टरलाइजेशन करवाना एक बेहद ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है सफरिंग रिड्यूस करने का।